अस्सलाम वालेकुम। साल 2021 में कितने सूरज और चांद ग्रहण होंगे? सूरज और चांद ग्रहण किन किन ममालिक में नज़र आएंगे? क्या ये पाकिस्तान या इंडिया में देखे जा सकेंगे या नहीं? क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए जिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि 2021 के दो सूरज और चांद ग्रहण गुजर चुके हैं। साल का मजमू तौर पर तीसरा और दूसरा जुजवी चांद ग्रहण 19 नवंबर 2021 जुम्मे को लगेगा। ये 2021 का आखिरी चांद ग्रहण होगा। पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक सुबह 11:02 पर शुरू होगा। पाकिस्तान में शाम 5:03 पर चांद ग्रहण मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। इस चांद ग्रहण का कुल दौरानिया 6:02 होगा। दिन होने की वजह से पाकिस्तान और इंडिया में ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा। वाशिंगटन, शुमाली और जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों के अलावा अर्जेंटाइन, कोलंबिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड समेत जुजवी चांद ग्रहण दीगर कई ममालिक में नज़र आएगा। जनूबी और मशरिकी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में भी देखा जा सकेगा। साल 2021 का चौथा और पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण 4 दिसंबर 2021 हफ्ते को लगेगा। पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक सुबह 10:29 पर आगाज़ होगा। दोपहर 2:37 पर ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। इस सूरज ग्रहण का कुल दौरानिया 5 घंटे और 6 मिनट होगा। सवाल ये है कि 4 दिसंबर 2021 का मुकम्मल सूरज ग्रहण किन किन इलाकों में नज़र आएगा? पाकिस्तान, इंडिया और दीगर एशियाई ममालिक में ये मुकम्मल सूरज ग्रहण नज़र नहीं आएगा। अलबत्ता आर्केडस और अंटार्कटिका में मुकम्मल ग्रहण नज़र आएगा। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में जुजवी ग्रहण नज़र आएगा। पाकिस्तान या इंडिया में इस साल के चांद और सूरज ग्रहण दिखाई नहीं देंगे।